वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पुराने लहंगे से नए डिजाइन की साड़ी बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 3 मीटर का नेट का कपड़ा लिया है, जिससे मैं ये नए डिजाइन की साड़ी बनाऊंगी। इसके लिए हम अपने लहंगे का ये जो लेस है उस पूरे को निकाल लेंगे और तब उससे साड़ी बनाएंगे। चलिए हम बनाते हैं ये नए डिजाइन की साड़ी। इसका धागा तोड़ तोड़ के इस तरीके से हम इसके पूरे लेस को निकाल लेंगे। ये मैंने लहंगे से लेस निकाल लिया है, अब मैं इसे ही साड़ी पे लगाऊंगी। ये हमारा दुपट्टा है जिसका साइड का लेस मैंने निकाल दिया है, और इसमें अब मैं ये नेट जोड़ूंगी। और इसे पहले हम सीधी तरफ से सिलेंगे, जिसे बंद सिलाई कहते हैं। पहले सीधी तरफ से सिलेंगे, फिर उसके बाद हम इसे उल्टी तरफ से सिलेंगे। इसे हम पूरा इसी तरह सिल लेंगे। ये मैंने सीधी तरफ से पूरा सिल लिया है, अब इसे हम उल्टा करके ऐसे यहाँ पे सिलाई चलाएंगे, जिससे इसका लुक फिनिशिंग आएगा। कपड़े को हम इसी तरह सिल लेंगे। ये सिलने के बाद ऐसा इसका लुक आएगा। अब हम इस लेस को इस लेस पे जोड़ेंगे। उल्टी तरफ से मैंने यहाँ ये लेस जोड़ लिया है, अब इस पे हम सिलाई मशीन चलाएंगे। पूरे लेस को हम साड़ी पे इस तरीके से लगा लेंगे। इसी तरह सीधा बस ऐसे लगा लेना है। इधर की मैंने पूरी सिलाई पूरी कर ली है, और यहाँ साइड में हम मोड़ के इस पे सिलाई कर लेंगे, और फिर इधर साइड मुड़ा के, और फिर इसी तरीके से फिर इधर भी हम पूरी सिलाई चला लेंगे। पूरी साड़ी पे इसी तरीके से हम सिलाई चला लेंगे। ये साड़ी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से करें। फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको दुपट्टे से एक समीज बनाना। ये मेरा दुपट्टा है, इससे मैं समीज बनाऊंगी। मेरा पूरा दुपट्टा है, अब मैं इसे समीज बताने जा रही हूँ। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है जो मैंने 2 मीटर लिया है। इसकी लंबाई 40 इंच है। अब मैं इस पे निशान लगाती हूँ। इसके लिए हम कंधे का भाग जो होगा वो 1/2 इंच लेंगे, और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। फिर ये जो हमारा बाजू का भाग होता है उसे हम 6 इंच लेंगे और इसे मिला लेंगे। यहाँ से हम 10 इंच लेते हैं। और यहाँ से 2 इंच। और यहाँ हम गोल बना लेंगे जो हमारा बाजू का भाग होगा।
यह हमारा गला होगा जो हम 5.5 इंच लेंगे। इसे भी मैं गोल ही बना रही हूँ, इसके लिए यहाँ से मिला लेंगे। यहाँ से हम 13 इंच लेंगे जो कि हम 9.5 इंच लेंगे। इसे हम 1/2 इंच कम रखते हैं, इसे भी हम मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ जो हमारा घेरा होगा उसे हम 12 इंच रखेंगे, इसे भी हम तिरछी मिला लेंगे। अब हम इसे काट लेते हैं। अस्तर को काट लिया है, अब मैंने दुपट्टे को भी 4 फोल्ड किया है, 1, 2 और यहाँ 2 इधर। अब हम अस्तर को दुपट्टे के ऊपर रखेंगे और कंधे से बराबर करके, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा नीचे दुपट्टा का भाग है वो एक्स्ट्रा ही रहता है क्योंकि अस्तर वाले समीज में अस्तर जो होता है वो छोटा होता है। अब हम इसे बराबर से काट लेंगे। ये मैंने काट लिया है, ये हमारा अस्तर है और ये समीज है, ये दुपट्टे का अब हम समीज बनाएंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसके लिए हम ये जो सीधा वाला भाग है ऊपर वाला उसे रखेंगे और अस्तर के भी सीधे वाले भाग को ही ऊपर रखेंगे। इसके कंधों को हम अलग कर लेंगे। इसको ऐसे रख के और यहां से हम सिलाई लगाएंगे, गले पे सिलाई लगाएंगे। ये मैंने गले पे सिलाई लगा ली है, अब हम यहां से पूरे साइड में सिलाई लगाएंगे। और अस्तर का भी हमारा सीधा वाला भाग इधर है और ये सीधा वाला भाग दुपट्टे का। इस तरह लगाने से ये होगा कि हम एक बार में इसे उल्टा करेंगे तो दोनों ज्वाइंट भी हो जाएंगे और हमारा गला भी बन जाएगा। ये मैंने चारों साइड सिलाई कर ली है, अब जो हमारा गला है यहाँ पे हम कट का निशान लगाएंगे, इससे गला अच्छा से बनेगा और उसके बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। धागा कटना नहीं चाहिए, धागा के पहले ही हमें कट का निशान, छोटा छोटा कट का निशान लगाना है। ये मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है, ये ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे गले पे हम सिलाई लगाएंगे, सिर्फ गले पे ही लगाएंगे। बनाने से हमारा गला भी बन जाएगा और अस्तर और समीज दोनों ज्वाइंट भी हो गए। अब हम इसका कंधा जोड़ेंगे, इसके लिए हम पीछे के भाग को भी इसी तरह बना लेंगे। मैंने बना लिया है, अब हम दोनों को अपोजिट रख के सीधा वाला भाग अंदर और उल्टा वाला ऊपर करके इनके कंधों को जोड़ देंगे। ये मैंने कंधों को जोड़ लिया है, अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे, उसके बाद हम निशान लगाएंगे। यहाँ मैं 17 इंच ले रही हूँ, आप अपनी फिटिंग के हिसाब से लें। और यहाँ से जो हमारा चाप का हिस्सा होता है वो मैं 14 इंच लूंगी।
और यहाँ पे भी हम 17 इंच लेंगे। और बीच का जो हिस्सा है वहां पे हम 15 इंच लेंगे। इसके बाद हम इसे मिला लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा गुलाई रखेंगे ताकि फिटिंग अच्छी हो। यहाँ से भी हम कर लेंगे। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। यहाँ पे जब हम आएंगे तो सिलाई को हटाएंगे नहीं, इसे उल्टा करके और यहीं से सिलाई को वापस ले आएंगे। दोनों साइड की फिटिंग हम ऐसा ही करेंगे। अब मैं इसका चाप बनाऊंगी जिसके लिए साइड का जो भाग है उसे हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारा कमर का हिस्सा है जहाँ पे हम चाप को बनाएंगे, इसके लिए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। और यहाँ दूसरी साइड ले आकर यहाँ से हम इसे सीधी सिलाई करेंगे। इधर साइड की सिलाई करेंगे, दूसरे साइड की। देखिए यहाँ पे हमारा ये बन गया है, ऐसे ही हमें बनाना है। ये मैंने चाप बना लिया है और मैं यहाँ पे डोरी लगाने वाली हूँ। इसके लिए हम डोरी बना लेंगे और यहाँ पे ये 3 इंच की डोरी को काट लेंगे और इसके बाद यहाँ पे फोल्ड करके और हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाएंगे। यहाँ मैंने 3 और यहाँ इस साइड 3 ये डोरी लगाने के लिए लगा लिए हैं। इसी तरह मैंने इस साइड भी किया हुआ है। अब हम इसमें ये जो दुपट्टा का ये जो लैस बचा हुआ था उसे हम यूज करेंगे। इसके लिए यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और ये मैं साइड में लगा रही हूँ जिससे कि और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा हमारा समीज। ये मैं इधर साइड, इसके पीछे साइड और उस दोनों साइड चारों तरफ मैं ये लगाऊंगी। ये मेरा सूट कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैंने डोरी बनाई है, इसे मैंने यहाँ सिलाई कर दी है अंदर की तरफ जहाँ पे हमारा चाप था और डोरी को यहाँ पे डाल के और यहाँ पे मैंने लटकन लगाया है। ये भी हमारा दुपट्टे से ही निकला हुआ है। अब देख सकते हो दुपट्टे से कितना अच्छा सूट बन गया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।